नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, एक और अपडेट। संविदा आधारित वैकेंसी निकाली गई है राजस्थान में और बम्पर पदों पे वैकेंसी है। दोस्तों, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितने पदों पे ये वैकेंसी है और आवेदन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या अपडेट है इसके अंतर्गत। आप देख सकते हो दैनिक भास्कर जयपुर से ये अपडेट है, 17/9/2022 यानी आज ही का ये अपडेट है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये निकाली गई है राजस्थान सरकार निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर से ये वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये इन पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है भारत योजना के तहत आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य के आयुष विभाग अंतर्गत संचालित 458 आयुर्वेद, 22 होम्योपैथिक और 20 यूनानी चिकित्सालय औषधालयों को आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। इन पर वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2021 और 2021 में शेष रिक्त पदों पर, जिसकी सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, योजना के निर्देशानुसार प्रत्येक आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र पर एक योग प्रशिक्षक पुरुष और एक प्रशिक्षक महिला को नियुक्त किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें बताया गया है टोटल अगर इनको एवरेज हम जोड़े तो ये 500 पदों पे ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें से 250 महिलाओं को लिया जाएगा और 250 पुरुष को इसमें शामिल किया जाएगा। यह पद पूर्णतः अस्थायी मानदेय सेवा के आधार पर एक वर्ष के लिए यह योजना लागू रहने तक मान्य होंगे। यानी कि दोस्तों, ये पूर्णतः संविदा पर वैकेंसी रहने वाली है और एक साल के लिए आपको इसमें लिया जाना है। अब आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना आप देख सकते हो। इस हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 17/10/2022 सायकाल 6 बजे तक ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, एक महीने तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, 17/10/2022 तक 6 बजे तक आप अपने फॉर्म ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। या तो आप डाक के द्वारा भेज सकते हो या फिर आप स्वयं जाकर के जमा करा सकते हो। ये देखिए, आवेदन पत्र निदेशालय आयुर्वेद विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तथा संबंधित जिले के उप निदेशक आयुर्वेद विभाग कार्यालय से व्यक्तिगत प्राप्ति कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के उप निदेशक कार्यालय में अंतिम तिथि तक व्यक्तिगत या डाक द्वारा आप जमा करवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी ऑफिशियल साइट है, इस पर जाकर के आप इसका पूरा PDF देख सकते हो, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है। चयन हेतु आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता, निवास, आयु, पात्रता, मानदेय की विस्तृत जो शर्तें हैं वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अंतिम तिथि पश्चात आवेदन मान्य नहीं होंगे। आनंद कुमार शर्मा निदेशक। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सालय के हेल्थ और वेलनेस केंद्रों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 250 पुरुष और 250 महिलाओं को लिया जाएगा और ये संविदा आधारित वैकेंसी है। योग्यता की अगर बात करें तो इसमें आयुर्वेद से नर्सिंग होना चाहिए और आयुर्वेद से डिप्लोमा, योगा वगैरह का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसका फॉर्मेट आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ जाकर के इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है तो इसमें आप जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी होगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।